नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक अत्यंत गोपनीय तांत्रिक साधना और एक दिव्य योगिनी की कथा लेके उपस्थित हुआ हूँ, जिसका सीधा संबंध माता के कामाख्या मंदिर से है। और यह साधना और इसके संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि अंबुवाची मेले के दौरान क्या कोई अत्यंत गोपनीय साधना की जा सकती है, इसकी जानकारी लेकर आए। तो मैं आज आपके लिए इसी कथा और मंदिर के रहस्य के विषय में जानकारी लेके उपस्थित। सबसे पहले हम माता के कामाख्या मंदिर के विषय में जान लेते हैं। माता का कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से लगभग 8 किलोमीटर दूर कामाख्या क्षेत्र में स्थित है। इसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पर्वत भी स्थित है। देवी माँ सती का मंदिर है ये, और यह मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। इस मंदिर का विशेष महत्व है और तंत्र के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्षेत्र कामाख्या क्षेत्र को ही माना जाता है। नीलांचल पर्वत, नील शैल पर्वत मालाएं, माँ भगवती कामाख्या और इनकी रहस्यमय शक्तियाँ यहाँ विराजमान है। यहाँ पर माँ भगवती का जो स्वरूप है महामुद्रा योनि कुंड स्थित है और यह 51 शक्ति पीठों में प्रथम स्थान पर आता है। इस संबंध में यह कथा आती है कि जब देवी सती ने अपने शरीर का आत्मदाह कर लिया, तब भगवान विष्णु के चक्र से उनके शरीर का ध्वंस करना आवश्यक था, ताकि भगवान शिव, जो कि सती के जले हुए शव को अपने साथ लेकर इधर उधर भाव विभोर होकर घूम रहे थे, उन्हें माया से मुक्त होना आवश्यक। तब भगवान विष्णु ने देवी माता सती पर चक्र चला दिया और यह चक्र उनके शरीरों के अंगों को धीरे धीरे काट कर गिराता रहा। जहाँ जहाँ यह अंग कट कर गिरे, उन स्थानों पर देवी के विभिन्न स्वरूप स्थापित हुए और उनका पूजन तब से लेकर आज तक हो रहा है। इसी में सबसे महत्वपूर्ण देवी का योनि स्थान यहाँ पर गिरा था, क्योंकि योनि स्त्री का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। कारण कि यहीं से कोई भी स्त्री किसी नई प्राणी को जन्म देती है, संतान को इस जीवन रूपी सागर में लेकर के आती है। इसी कारण से योनि का भाग मात्र के स्वरूप में पूजित होता है। मंत्र भी आता है, यादेव सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कामाख्या का यह सिद्ध पीठ देवी के ग्रंथ कुलावर्ण तंत्र, महाभगवती पुराण इत्यादि में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। यहाँ पर अंबुवाची पर्व का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष देवी इस वक्त रजस्वला हो जाती हैं, जिसको हिंदी में और अंग्रेजी में मासिक धर्म के नाम से, पीरियड के नाम से जाना जाता है, और इस दौरान मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। तो इस वक्त जब यह द्वार इस मंदिर के बंद रहते हैं, उस वक्त श्रद्धालुओं के लिए भी यह मंदिर बंद कर दिया जाता है। लेकिन इस 3-4 दिनों की अवधि में देवी की गुप्त रूप से साधना करने से विभिन्न प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं, क्योंकि इस वक्त देवी गुप्त स्वरूप में होती हैं, लेकिन फिर भी जागृत अवस्था होती है, क्योंकि देवी की योनि से रक्त का स्राव होता है। और यह चमत्कार देखने में भी आता है कि जब उस योनि से रक्त निकलता है, तो सारी की सारी ब्रह्मपुत्र नदी, आसपास का क्षेत्र लाल रंग का हो जाता है। इतनी अधिक मात्रा में रक्त स्राव होता है, और फिर इसी रक्त स्राव से जो कपड़े रखे जाते हैं वह लाल हो जाते हैं, और इसका बाद में विभिन्न भक्तों में उसे बांटा जाता है, और यह रक्त प्रवाह लगातार 3 दिनों तक जारी रहता है। कामाख्या तंत्र में कहा गया है, योनि मात्र शरीराय कुंज वासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी धेयताम सदा शरणागत दीनार्थ परित्राणम परायणे सर्वास्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। राजराजेश्वरी कामाख्या रहस्य और 10 महाविद्याओं के ग्रंथों के स्वरूप में अंबुवाची पर्व के दौरान यहाँ के कपाट बंद करके तंत्र मंत्र की विभिन्न प्रकार की सिद्धियाँ की जाती हैं। उस वक्त तांत्रिक मांत्रिक अघोरियों का बड़ा जमघट यहाँ पर साधना के लिए
गुप्त रूप से उपस्थित रहता है। देवी को सिद्ध करने का उस वक्त बड़ा ही प्रयोग जारी रहता है। यह स्थान पुराने समय से ही तंत्र के स्वरूप में बहुत ज्यादा प्रभावशाली माना गया है और अलग अलग तरह के जागृत तंत्र इस वक्त किए जाते हैं। इस क्षेत्र में मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, लोना चमारी, स्माइल जोगी ऐसे बहुत सारे नाम आते हैं जिन्होंने यहाँ आकर अलौकिक सिद्धियों को प्राप्त किया था। यह साधना का ऐसा समय होता है जब गुप्त रूप से अगर यहाँ पर साधना की जाए तो अद्भुत लाभ देखने को मिलते हैं। माता कामाख्या मंदिर परिसर हालांकि बंद रहता है लेकिन फिर भी देवी को प्रसन्न करने के लिए इस वक्त गुप्त तरीके से तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं। मैं अब बात करूंगा उस महान शक्तिशाली योगिनी के विषय में जो इस वक्त जब तक देवी का रजस्वला स्वरूप जागृत रहता है उस वक्त उनकी सेवा में उपस्थित रहती है और इस देवी का नाम है रजवंती योगिनी। यह देवी कौन है, इनका प्रभाव क्या है, इनकी कथा क्या है और इनकी तांत्रिक साधना को आप कैसे कर सकते हैं इस पर्व के दौरान, क्योंकि यह उस वक्त देवी के चारों तरफ रहकर उनकी रक्षा करती हैं, उनकी सेवा करती हैं और अगर इनकी सेवा उस वक्त की जाए, इन्हें सिद्ध करने का प्रयास किया जाए तो यह सिद्ध होकर दुर्लभ सिद्धियां प्रदान कर सकती हैं। तो इस कथा का प्रारंभ होता है आज से कई सौ वर्ष पूर्व। यहाँ पर एक तांत्रिक आया हुआ था। वह एक तांत्रिक इस क्षेत्र को अपनी तंत्र विद्या के माध्यम से जान चुका था कि यह स्थान योनि तीर्थ है और यहाँ पर देवी का बहुत ही गुप्त स्वरूप निवास करता है, इसलिए यहाँ पर विशेष तरह की सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। तो वह यहाँ पर आकर साधना शुरू कर देता है। उसे साधना करते हुए काफी दिन यहाँ बीत जाते हैं कि तभी एक रात्रि को अचानक से वह देखता है कि जिस क्षेत्र में जहाँ पर देवी की योनि बनी हुई है वह क्षेत्र में काला धूप अंधकार प्रकट होने लगा है। वह क्योंकि देवी की वहाँ पर रहकर उपासना किया करता था तो उसके मन में यह विचार आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, उसे चल कर देखना चाहिए। तब वह देखता है कि जब वह उस योनि की तरफ बढ़ता है जो कि प्राकृतिक रूप से बनाई गई है, वह उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पाता है। उसके चारों तरफ अलग तरह का एक धुआं सा निर्माण हो चुका था। उस धुएं के अंदर प्रवेश करने पर वह बार बार भटक जा रहा था। जिस भी मार्ग से या जिधर से भी वह जाता था वह कहीं और दिशा में जाकर निकलता था और देवी की योनि के पास पूजा करने के लिए वह नहीं पहुंच पा रहा था। इस बात को समझने के लिए उसने एक मशाल जला ली ताकि प्रकाश के कारण रात्रि के समय वह अच्छी प्रकार से देख सके और उसने फिर से देवी की ओर अपने पैर बढ़ा दिए ताकि वह उनके नजदीक पहुंच सके। लेकिन एक बार फिर से वैसा ही कुछ घटित हुआ और देवी की ओर जाने वाला उसका मार्ग फिर से वह भटक गया। उस धुएं भरे अंधकार में वह यह बात समझ नहीं पा रहा था। तब उसने अपनी तंत्र शक्ति का प्रयोग किया और मार्ग सीधा सीधा खुल गया। सामने उसे स्पष्ट रूप से देवी के योनि से रक्त का स्राव होते दिखाई पड़ रहा था, इसीलिए वह तेजी से उधर की ओर जाने लगा ताकि वह देवी के इस रजस्वला स्वरूप को देख सके कि तभी अचानक से एक शक्तिशाली हाथ में गदा ली हुई एक 21 वर्षीय युवती दिखाई पड़ी। वह क्रोध में कहने लगी, तांत्रिक यहाँ से चला जा अन्यथा मैं तुझे बहुत मारूंगी। तब उस तांत्रिक ने कहा, देवी तुम कौन हो और मुझे रोकने की सामर्थ तुम्हारे अंदर नहीं है, मैं बड़ा ही सिद्ध तांत्रिक हूँ, देवी की संपूर्ण सिद्धि के लिए ही यहाँ पर आया हूँ और इस समय मैं देवी के पास उपस्थित होना चाहता हूँ। तब उस स्त्री ने कहा, यह देवी का रजस्वला स्वरूप में है, यह ऐसा समय है जब देवी रजस्वला स्वरूप में कष्ट में है, इसलिए उनके आसपास इस वक्त कोई नहीं जाएगा और उनकी ही इच्छा से मैं प्रकट हुई हूँ, मैं उनकी सेवा करूँगी, देवी नहीं चाहती कि उनके करीब कोई आए, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहती हूँ, जाओ तुरंत यहाँ से चले जाओ अन्यथा
मैं तुम पर प्रहार कर दूंगी। पर तांत्रिक नहीं माना और वह देवी की ओर बढ़ने लगा। तब उस देवी ने जोर से गदा तांत्रिक की छाती पे मारी। तांत्रिक दूर जाकर गिरा और क्रोध में भर गया। इसके बाद आगे क्या हुआ जानेंगे कथा के आगे के विषय में। और उस दिव्य योगिनी की सिद्धियों के विषय में जानकारी के लिए आप इंस्टा मोजो स्टोर से इस साधना को खरीद सकते हैं और रजवंती योगिनी की साधना कर सकते हैं। माता कामाख्या को समर्पित यह भजन आप लोग अवश्य सुने। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति। गणेश और गुरु धाम कर मन में धर विचार, कामाख्या चालीसा पढ़े मिले काम नासार। ये कामाख्या जगदम्बे जय जय अम्बुवाची, सृष्टि के पालनहारी हो जगदम्बे कर दो रक्षा साची। का पीठ जग विख्यात असम की महिमा भारी, देव दैत्य सब करते वंदन भक्तन की अधिकारी। सती रूप में प्रगट भई किया शिव से विवाह, दक्ष यत्न में देह त्याग कर लिया नया अवतार। अम्बुवाची मेला की महिमा है सब जगत में न्यारी, आसाम की भूमि पर माता करे सबकी इच्छाएं पूरी। तुम हो शक्ति की अधिष्ठाती, तुम ही जीवन धारा, अम्बुवाची में आते हैं भक्तन के साथ तंत्र सारा। माँ का माँ का शक्ति स्वरूपा तुमसे शक्ति पाता, हर विपत्ति को हरने वाली तेरा भक्त कभी न घबराता। अम्बुवाची के इस पर्व में सब करते तेरा ध्यान, माँ कामाख्या की जयकार से गूंजे सारा लोक महान। जो भी पढ़े चालीसा उसकी पूर्ण हो कामना, माँ कामाख्या का आशीर्वाद मिले उसको प्रतिदिन। जो भक्त श्रद्धा भाव से कामाख्या का ध्यान, सकल कष्ट हर लेती पूर्ण करे हर काम। चालीसा उसकी पूर्ण हो कामना, माँ कामाख्या का आशीर्वाद मिले उसको प्रतिदिन। जो भक्त श्रद्धा